बिहार में कोरोना को लेकर राज्यपाल ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक को लेकर आरजेडी ने उठाया सवाल। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा, सर्वदलीय बैठक बुलाने में की देरी। पटना में बीजेपी ने किया सदस्यता समारोह का आयोजन। मौके पर कई महिलाओं ने की बीजेपी की सदस्यता ग्रहण। मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक रहे मौजूद। हम पार्टी ने किया जयंती समारोह का आयोजन। ज्योतिबा फुले की मनाई गई जयंती। महात्मा ज्योतिबा फुले को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। और शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में हुआ बेड को लेकर विवाद। बेड के विवाद में मरीज की हत्या। पुलिस ने हत्या आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। राज्यपाल ने कोविड 19 को लेकर 17 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जहां सर्वदलीय बैठक को लेकर आरजेडी ने सवाल उठाया है, जिसमें आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने में काफी देरी कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल में बेड नहीं है, जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। और सरकार सिर्फ जादुई आंकड़ा करके, फर्जी आंकड़ा दे करके सिर्फ अपना पीठ थपथपा रही है प्रचार और प्रसार करके, लेकिन हकीकत में धरातल पे जो स्थिति है वो सबको पता है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जो कोविड के पेशेंट हैं, आम लोग हैं, उनको उचित नहीं मिल रहा है इलाज के लिए अस्पतालों में जगह, उसका अभाव है। आप सर्वदलीय बैठक सरकार को पहले बुलानी चाहिए थी। 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई है, लेकिन सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और मुकम्मल व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो हालात लग रहे हैं स्थिति और बिगड़ेगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बीएल वैश्यत्री ने अध्यक्षता में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। इस मौके पर पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल चंद्रा, राजेश्वर मांझी समेत कई लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फुले की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ज्योतिबा फुले महाराज की आज 194वीं जयंती है, जिन्होंने इस देश में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का काम किया था, जिन्होंने 1848 में बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रथम स्कूल खोलने का अपने पत्नी के साथ में इनका ये अवसर प्राप्त है। साथ में इन्होंने शिक्षा को गरीबी का कारण बताया कि शिक्षा नहीं होने से ही लोगों में गरीबी है। उन्होंने समृद्धि का लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया। पटना में बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा के द्वारा टीका उत्सव सह सदस्यता समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर श्वेता झा, मिसेज इंडिया कॉन्टिनेंट्स क्वीन और कई क्षेत्रों के विशिष्ट महिलाएं बीजेपी में शामिल हुई। मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तमाम महिलाओं को सदस्यता दिलाई। प्रमुख महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन भी कराया है और महिला मोर्चा भी इसको अलग से एक अभियान के रूप में लेने जा रहा है कि सभी का टीकाकरण हो।
बंगाल के पांजीपाड़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों के हाथों किशनगंज टाउन थाना के थानेदार अश्वनी कुमार शहीद हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही शहीद अश्वनी कुमार की मां ने भी पुत्र के वियोग में दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि पुत्र की हत्या के बाद से ही वृद्ध मां की तबियत बिगड़ने लगी और उसी दौरान मां ने दम तोड़ दिया। वहीं ग्रामीणों ने हत्याकांड की जांच हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की है। तो बंगाल के पांजीपाड़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों के हाथों किशनगंज टाउन थाना के थानेदार अश्वनी कुमार कल शहीद हो गए थे और इसके बाद सूचना मिलते ही शहीद अश्वनी कुमार की मां ने भी बेटे के वियोग में दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि पुत्र की हत्या के बाद से ही वृद्ध मां की तबियत बिगड़ने लगी थी। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ रौनक कुमार फोन लाइन पर मौजूद हैं। रौनक जी, जानना चाहेंगे कि पहले बेटा और फिर उसके बाद मां ने भी वियोग में दम तोड़ दिया, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी राखी, आपको बता दें कि यह पूरी घटना जो वो हृदय विदारक घटना है और लाजमी है कि परिवार के जो लोग हैं वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि कल जिस समय इस घटना की सूचना परिवार के लोगों और परिजनों को गांव में लगी थी, उसी समय से उनके माता जो 75 वर्षीय लगभग थी, उर्मिला देवी नाम था, उनका तबियत अचानक से खराब हुआ और लोगों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भी ले गए, लेकिन तदुपरांत जब इलाज हुआ तो कुछ समय के लिए वो ठीक लगी थी, लेकिन जब उनके पुत्र का शव यहाँ पहुंचा, उनके पैतृक गांव पहुंचा, तो उसके बाद से लगातार उनके माता का तबियत बिगड़ते ही चला गया और होते होते ये हुआ कि सुबह 6 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया जी। अब ये स्थिति है कि अभी पत्नी की हालत वो बदहवास है, उसे किसी भी तरह की होश आते ही वो उसी वियोग में रहती है कि अब हमारा गुजारा कैसे होगा जी। एक बड़ा सवाल है कि एक उनकी 15 वर्षीय बेटी है जिन्होंने कि इस बात पे अब एक उच्च स्तरीय जांच की मांग के साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि हमारे पिता के साथ जो शामिल लोग थे, जो पुलिस कर्मी थे, अगर उन्होंने ये हत्या नहीं की है तो उनके साथ खड़े क्यों नहीं हुए। राखी, बड़ा सवाल है ये कि परिजन इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि जो उनके साथ मौजूद पुलिस कर्मी थे, चाहे वो सशस्त्र बल हो या सर्किल इंस्पेक्टर जो भी हो, तो वो उनके साथ जब इस तरह के हादसे हो रहे थे तो वो उन्होंने बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। सवाल लाजमी है। उस बच्चे की जो दर्द है वो दर्द हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक ही चीज की अपील कर रही है कि किसी भी तरीके से उनके पिता को न्याय मिले। दूसरी, उन्होंने वहां मौजूद है पूर्णिया रेंज के आईजी वहां घटनास्थल पर मौजूद है, उनके पैतृक गांव में मौजूद है जहां भी दाह पूछी, घंटों के बाद उनका अंतिम संस्कार दोनों अर्थी एक साथ उठेगी। ये भी अपने दर्शकों को हम बता दें कि पिता सॉरी माँ और बेटे का अंतिम संस्कार के लिए दोनों अर्थी जो है एक साथ उठेगी और अब से लगभग आधे घंटे बाद यानी 2:30 बजे ये पूरा प्रकरण होगा जी। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो वहीं कटिहार में शराबियों को पकड़ने गई पुलिस पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। वहीं पुलिस टीम के साथ भीड़ ने लाठी डंडे से मारपीट भी की। आपको बता दें कि पुलिस टीम में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी और वहीं पुलिस टीम के साथ मारपीट मामले में चिन्हित करते हुए 17 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ फिलहाल FIR दर्ज कर ली गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मामले में एक महिला और पुरुष को भी गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि अनूपपुर जिला अस्पताल में कोरोना से एक महिला की मौत हो गई। जिला अस्पताल में कोरोना से ये पहली मौत बताई जा रही है। पसान नगर पालिका के भालूमाड़ा की रहने वाली महिला को उसके परिजनों ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया था और इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई।
तो वहीं सोनभद्र में भी तेजी से बढ़ रहे गर्मी की तपन और धरातल के नीचे जा रहा जलस्तर आने वाले समय में परेशानी बढ़ाने वाला है। ऐसे में सरकारी सुस्ती से लोग परेशान हैं। जिले में हैंडपंप सूख चुके हैं और इसके साथ ही नदी और तालाब की भी हालत वैसी ही है। अभी अप्रैल में ही गर्मी विकराल रूप ले रही है, अभी से ही लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं और आगे आने वाली मई जून में क्या स्थिति होगी ये कोई कह नहीं सकता। लेकिन पानी की किल्लत से जनता लगातार परेशान है और अधिकारियों का अपना ही दावा है कि जिले में पानी की समस्या को देखते हुए कंट्रोल रूम बना दिया गया है। अब देखना होगा कि सरकारी अधिकारी कब तक जागते हैं। हैंड पाइप और जो है कुएं के पानी नीचे चले गए, इसको देखते हुए क्या व्यवस्था करिए? गर्मी प्रारंभ होते ही सोनभद्र में जो जलस्तर है वो नीचे चला जाता है, जिससे हैंडपंपों और कुओं में पानी की समस्या होने लगती है। इसके लिए जनपद में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। तो भी जहाँ से शिकायत होती है उनका शिकायत के आधार पर जाँच करा करके उन हैंडपंपों की मरम्मत या आवश्यकता को बनाया जाता है। लेकिन फिर भी पानी की समस्या नहीं समाधान होगा वहाँ पर टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाती है। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अशोक चौबे फोन लाइन पर मौजूद हैं। अशोक, अभी तो अप्रैल का महीना है, इसके बाद मई जून भी आना है और पानी की किल्लत इस तरीके से रहेगी तो लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे? जी बता, सोनभद्र में इन दिनों गर्मी बहुत तेजी से पड़ रहा है और अप्रैल का महीना शुरू हुआ है जिससे अपना चारों तरफ पानी अपना सूख गया है, हैंडपंप भी सूख गए हैं। लेकिन गांव में ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि कहीं कहीं अपना रिवर या हैंडपंप पानी भी एकदम नीचे स्तर पर चला गया है, सूख गया है, जिससे काफी दिक्कतें हो रही हैं और आगे भी काफी दिक्कतें होंगी। लेकिन जिला प्रशासन अभी जी सारी व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। जी अशोक, क्या किसी अधिकारी का कोई बयान या कोई आश्वासन सामने आया हो कि ग्रामीणों को बताया गया हो कि कब तक इस समस्या से निजात पाया जाएगा और क्या कुछ अलग से कोई टैंकर की सुविधा यहां पर ग्रामीणों के लिए उपलब्ध कराई गई हो, क्योंकि पानी की किल्लत तो बहुत ज्यादा है? जी जी, बता दें कि सोनभद्र के DPRO साहब ने अपना कंट्रोल रूम स्थापित कर लिया है, जहां भी अपना उन्होंने बताया कि जिस प्रकार की भी जो भी समस्या पानी की आ रही है जी, या हैंडपंप खराब हो या फिर जहां पानी ना मिलता हो वहां पे एक दो दिन के अंदर में पानी की व्यवस्था टैंकरों द्वारा कराई जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो वहीं शाहजहांपुर में एक मरीज की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि यह विवाद मरीज के बेड को लेकर हुआ था। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला थाना चौक कोतवाली के जिला अस्पताल का बताया जा रहा है। तो वहीं प्रयागराज में प्रत्याशियों के साथ फूलपुर प्रभारी निरीक्षक ने एक अहम बैठक की, जिसमें चुनाव में लापरवाही पाए जाने पर पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग का पालन और नाइट कर्फ्यू के साथ 2 गज की दूरी रखने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं बिना मास्क और बिना काम के घर से ना निकले इसके निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं रक्सौल में बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने राजकीय अस्पताल में हो रहे टीकाकरण अभियान को देखा और इसके साथ ही टीका ले चुके जनता से मुलाकात कर बातचीत भी की। आपको बता दें कि मौके पर स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा भी उपस्थित रहे। रक्सौल अस्पताल का और राधापुर बाजार के श्यामपुर बाजार के अस्पताल का दौरा करने आया था। बहुत ही अच्छा काम यहाँ हो रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग नई बन रही है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में थोड़ी दिक्कत है, पर सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं और 200 प्लस सभी सेंटर्स पे हो रहा है। प्रतिदिन रक्सौल
मंडल में 1000 लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्पीड है और सभी स्वास्थ्यकर्मी काफी अच्छा काम। वहीं मधुबनी के झांझर मदरसा चौक स्थित बड़ी मस्जिद में मौलानाओं की एक बैठक हुई, जिसमें मौलाना शहीद रजा ने बताया कि निकाह और मिलाद में डीजे बजाना गुनाह और जुर्म है। वहीं निकाह में दहेज लेना भी सामाजिक और कानूनी अपराध है और इस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। एक तंजीम का गठन किया है जिसका नाम इत्तेहाद मिल्लत रखा गया, जिसका मैं सदर भी हूँ, और सारे उलमा ने मिल करके मुत्तफिक राय से कुछ मीटिंग में हम लोगों ने पास किया, जैसे कि शादी हो या मिलाद शरीफ का महफिल हो, उसमें बाजा जो आता है और उस बाजा जब लाया जाता है तो उसमें गाना बजाया जाता है। जहाँ कहीं भी गाना बजाया जाएगा या कोई गलत गाना बजाया जाएगा तो उसमें कोई भी आलिम हमारे न तो मिलाद शरीफ में जाएंगे न उसके शादी की तकरीब में निकाह पढ़ाने के लिए जाएंगे। छपरा के सोनपुर में गर्मी बढ़ते ही कोरोना संक्रमितों की मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होना शुरू हो गया है। सोनपुर ब्लॉक में कोई ऐसा दिन नहीं है जहां कोरोना जांच में संक्रमित व्यक्ति नहीं मिल रहा हो, फिर भी लोग कोरोना वायरस को नजरअंदाज करते हुए बिना मास्क के घूम रहे हैं। वहीं सोनपुर अनुमंडल अस्पताल प्रभारी डॉक्टर हरिशंकर चौधरी ने बताया कि ANM ट्रेनिंग सेंटर, रेलवे स्टेशन, रेलवे अस्पताल में रैपिड किट्स से जांच में 249 में से 13 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 277 लोगों को RT-PCR की जांच के लिए सैंपल पटना भेज दिया गया है। वहीं जांच रिपोर्ट आने के बाद ही संक्रमित व्यक्तियों की पहचान हो पाएगी। सोनपुर अंतर्गत 249 रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ, जिसमें 13 पॉजिटिव पाए गए। वहीं 277 RT-PCR जांच में की गई, जिसका सैंपल IGMS भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने पर इसकी सूचना दी जाएगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट से पॉजिटिव इसमें रेलवे हॉस्पिटल में 6 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य की सरकार ने अब नई गाइडलाइन जारी की है और इसी कड़ी में सूबे के दूसरे सबसे ज्यादा कोविड संक्रमित जिला मुजफ्फरपुर में भी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है और देर शाम 7 बजे से दुकानों को बंद करवाने के लिए पुलिस सड़कों पर उतरी और दुकानों को बंद करवाया। आदेश का अवहेलना किया जा रहा है, उनके विरुद्ध हम लोग थोड़ी सख्ती दिखा रहे हैं, कुछ फाइन भी करेंगे और कल से हम लोग यहाँ अतिक्रमण अभियान भी चलाएंगे, क्योंकि दुकानदार सभी लोग जो हैं वो तो इस बात का आदेश को मानते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो अतिक्रमित दुकानें हैं उन दुकानों पर इस आदेश का कोई असर नहीं पड़ा। छपरा के देवरिया गांव के वार्ड नंबर 13 में खेतों में आग लगने से हादसा हो गया। आपको बता दें कि बीती रात बिजली के जर्जर तार टूटकर खेतों में गिर गए, जिससे खेतों में आग लग गई। वहीं घटना की सूचना बहरौली मुखिया अजीत सिंह को दे दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे मुखिया ने बिजली आपूर्ति को बंद करवाया गया और आपको बता दें कि दर्जनों बार बिजली विभाग के जेई इन जर्जर तारों को लेकर शिकायत की गई है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मामला यहाँ है कि यह जो बिजली का काम हुआ है वो सब लुंज पुंज काम हुआ है, सही ढंग से काम हुआ नहीं है। रात करीब 12:20 पर यह तार टूट कर 11,000 वाला वोल्ट गिरा और आग लग गया गेहूँ में।
ये हमारे गांव के मुखिया श्री अजीत सिंह बाबू के तत्परता दिखाने से ये जो हुआ सो बचा। बहरौली पंचायत के देवरिया गांव में 33,000 का तार टूटने से एक जोर का धमाका हुआ और गेहूं के खेत में आग लग गई। आग लगने की वजह से आवाज़ की वजह से ग्रामीण जगे और तत्परता दिखाते हुए इस आग पे काबू पाया गया और हमारे बिजली विभाग के प्रद्युमन सिंह द्वारा बिजली कनेक्शन काटा। तो वहीं गढ़वा जिले में नाबालिग युवती का गर्भधारण करवाकर उसके बच्चे को बेचे जाने का मामला सामने आया है और जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामला जिले के चिरौंजिया गांव का है जहां एक नर्स द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया और गर्भधारण कराकर बच्चा बेचने का मामला सामने आया है। तो पत्राचार के द्वारा पता चला उसी के द्वारा जो कि सोहनीय नहीं है और गलत काम किया गया है। मैं उसके ऊपर कभी से करीब कार्रवाई करूँगा जिससे कि उसको दोबारा ऐसा न करें कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर करें। का परसों एक नर्स ने अपने घर पे कराया है तो उसमें हमने मामले को संज्ञान में लिया, संज्ञान लेकर के टीम गठित कर रेकी कराया और नर्स को हम लोगों ने बुलवाया तो ये बात नर्स ने स्वीकार कर लिया 8 तारीख को ही कि उसने प्रसव कराया है प्रसूता का। प्रसूता नाबालिग है, बिन ब्याही माँ है और उसने हमसे समय लिया 8 तारीख को कि हम 9 तारीख को 2 बजे तक बच्चे को जो नवजात शिशु है उसको प्रोड्यूस करा देंगे और 9 तारीख को 1:30 बजे उसने बच्चे को प्रोड्यूस कराया भी। लेकिन एतद संबंधी मामले में हम यह पाते हैं। तो वहीं छपरा जंक्शन पर सहरसा से नई दिल्ली जा रही हमसफर एक्सप्रेस में लोगों ने एक मोबाइल चोर को पकड़ा और वहीं लोगों ने चोर की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान लोगों ने बताया कि इस चोर ने कई यात्रियों के मोबाइल गायब कर दिए थे जो इसके पास से बरामद हुए हैं, जिसके बाद यात्री आक्रोशित हो गए और चोर की जमकर पिटाई कर दी। भैया फोन अंदर रख लीजिए। कैसा है नहीं है समस्या है कोई चार्ज में लगा है कहाँ गई है। गढ़वा के सोनपुरवा अंतर्राज्यीय बस डिपो में 5 लावारिस बैग मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने सदर थाना पुलिस को दी। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस टीम बस स्टैंड को सुरक्षा के घेरे में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई। सोनभद्र में एक ही दिन में 136 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने से स्वास्थ्य विभाग से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं संक्रमितों की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के अफसर मिलकर कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने की नई रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। रक्सौल में एक बार फिर अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़ा और हाथ साफ कर फरार हो गए। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद एएसआई संजय कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और वारदात की जानकारी ली और इसके साथ ही मामले की जांच में जुट गए हैं। पूर्वी चंपारण के चकिया रेलवे स्टेशन पर 13 यात्रियों का कोरोना टेस्ट हुआ। बता दें कि टेस्ट एसडीओ ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में किया गया, जिसमें सभी यात्री नेगेटिव पाए गए। वहीं इस दौरान मौके पर सीओ राजकिशोर, स्टेशन अधीक्षक मोहम्मद कुर्सीद आलम सहित कई स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।
सासाराम नगर थाना के ठीक बगल में स्थित एक वकील के पुराने आवास को असामाजिक तत्वों ने जेसीबी बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया। साथ ही वकील सहित परिजनों के साथ मारपीट भी की गई। बताया जा रहा है कि जिस मकान में वकील जयराम सिंह अपने परिवार के साथ सालों से रह रहा था, उसी मकान के स्वामित्व को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। फिलहाल ये विवाद न्यायालय के अधीन है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तनाव काफी बढ़ गया था। वकील के पुराने आवास को यहां तोड़ दिया असामाजिक तत्वों ने। 5 बजे भोर में सब जेवर गाठी, सब लूट लेल को, सब सामान घर द्वार सब उठा दिल को, सब जितना सामान है लोग सब लूट लेल को। क्या कौन लोग थे? बिलारा सिंह। अच्छा, काहे के लिए ये सब किए? कागज से सगरो से हार गेलो तो गुंडा पाना कल को, गुंडा पाना कल को। आप कौन चीज? मामला लगभग 4 से 5 बजे के बीच में है। बिलाल सिंह उर्फ कुमार परमिंदर 500 संख्या में आए और चाचा मेरे पिताजी को फायरिंग करते हुए मारपीट करने लगे और बुलडोजर से जो है ध्वस्त करने लगे। इसकी सूचना जो थाना नगर थाना कुमार खनराज सिंह को दिए तो बोले कोई घटना ऐसा नहीं घटेगा। और लगभग 2 घंटे के बाद प्रशासन, अभी तक थाना दस भी नहीं आया। सबरू एसपी डीएसपी सबको फोन किए, कोई अभी तक हमारे घर पर नहीं आया है। और कह रहा था ही कि हम लोग 10-10, 20-20 लाख रुपया सबको दे दिए, कोई तुम्हारा मदद करने वाला नहीं। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।